हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस के लिए जो आपका जेएसए का एग्जाम होने वाला है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है और बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं जिससे आप कम समय में जो है बेटर स्कोर कर पाएँ और अपनी जो जॉब है उसको सिक्योर कर पाएँ। तो आपके लिए बहुत ही सोच समझ के इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने आपके लिए कंटेंट ढूंढ कर लाया हूँ कि बेस्ट बुक क्या हो सकती हैं, कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ के एक ही बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने भी एक ही बार में KBS JSA का अपना एग्जाम कैसे क्रैक किया था वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी मैंने बुक्स पढ़ी थी वो सब आपको यहाँ पर सब कुछ मैं बता दूंगा। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है, जल्दी से हम क्विक स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले KBS JSA बेस्ट बुक, बेस्ट बुक जिसके लिए बेस्ट बुक की ज़रूरत होगी, मैं बेस्ट बुक तो सभी के लिए बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो टीचर से पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको टीचर बताऊँगा, बेस्ट जो मतलब यूट्यूब पर नंबर वन टीचर है वही सजेस्ट करूँगा और कोई फालतू टीचर आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बेस्ट बुक से जानने से पहले हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए। तो सिलेबस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पूरा एलेबोरेट करके कि क्या क्या अंदर से पूछा जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लेना, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था वो भी बता रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस में अब क्या है आपका, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स आएंगे और 120 आपको मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 6 सेक्शन होंगे आपके, इंग्लिश, हिंदी, GA या GK, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और मैथ्स रहेगा, ठीक है। आपको सभी में बराबर बराबर स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक जो सेक्शन है वो 20 क्वेश्चन का है, 20 मार्क्स का है, तो कोई भी सेक्शन आप छोड़ के नहीं आ सकते। आप सोचा कि चलो मैं GA छोड़ दूँ या मैथ्स छोड़ दूँ और मैं सिलेक्शन ले लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश के लिए जो है आप बेस्ट बुक क्या हो सकती है। तो सबसे पहले इंग्लिश के लिए बता दूं, इंग्लिश के लिए देखिए आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है प्लिंट टू पैरामाउंट, KD पब्लिकेशन की है, नीतू मैम की ये बुक होती है सॉरी जो SSC एस्पिरेंट होते हैं, CGL, CHSL या जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं इंग्लिश की तैयारी करने के लिए, वो सभी लोग इस बुक को प्रेफर करते हैं और काफ़ी जानी मानी बुक है ये। अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है ना, कि इंग्लिश में आपको पूरा बताया गया कि ये वर्ब है, उसके हिंदी में भी उसको लिखा गया है कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो ये भी उसमें बताया गया, तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, वो एरर के लिए रहती है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसमें से चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे और फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, एक चैप्टर से 60-70 जो आपके एरर दिए हुए हैं, प्रॉपर पूरा वो एरर इस तरीके से सेट किए गए हैं कि आपका पूरा जो एक सिलेबस है पूरा समाप्त हो जाए और सारे आपके फॉर्मूले उसमें ये जो आपके कंसेप्ट होते हैं वो रिवाइज हो जाए, तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स प्लस नीतू सिंह की अगर दो ये बुक ले लेते हैं तो आपका ये निकल जाएगा। इसमें आपको वोकेबलरी वगैरह सब कुछ इसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही साथ मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने पढ़ी थी ये परफेक्ट की बुक आती है, ठीक है। इसमें ये भी बेस्ट बुक है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस सेशन मिल जाते हैं और सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इस तरीके से ही बुक है और इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये आपको चैप्टर दिख जाएंगे सारे, ठीक है, बहुत सारा इसमें कंटेंट दिया हुआ है। इसमें आपके जितने टॉपिक होते हैं, एरर से रिलेटेड आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये वोकैबुलरी मिल जाएगी, मिस स्पेल्ड, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस ऑफ रियल में, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाता है और ढेर सारी इसके अंदर प्रैक्टिस दी गई है। जैसे मान के चलिए ये है आर्टिकल, ये आपका पूछा जाएगा आपके सिलेबस में भी, ठीक है, तो इससे ये पूरा बताया गया, हिंदी विथ हिंदी बताया गया कि हिंदी में कैसे कैसे। और इसके बाद क्या हुआ, जब आप इसे कर लेंगे पूरा, देखिए कर लेंगे तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी दी हुई है यहाँ पर, कितनी एक्सरसाइज दी है मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी एक्सरसाइज दी है कि आपका मन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज, तीन, चार एक्सरसाइज, ठीक है, एरर के फॉर्म में दिए, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिए। इसके बाद 5 एक्सरसाइज, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 5-6 एक्सरसाइज, ये रहा, सॉरी एक सेकंड रुकिए, अरे यार थोड़ा सा है ना, तो ये देखिए ये है 5th और ये 6th। इसके बाद मॉडल एक्सरसाइज 1 दी है ना, और इसके बाद भी देखिए ढेर सारी एक्सरसाइज, मॉडल एक्सरसाइज 2 दी है, फिर इसके बाद इसके आंसर दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं या जो नीतू मैम की है उसे और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो आपका नेक्स्ट जो सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश का अपना हो गया, जो नेक्स्ट है वो हिंदी का है। तो हिंदी के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको मेरे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो भी आपके 8-10 टॉपिक हैं अच्छे से आपको मात्र आधे आधे घंटे के घंटे में टॉपिक क्लियर करा दूंगा और फिर उसकी प्रैक्टिस भी आपको करा दूंगा। और वैसे ही आपको प्रैक्टिस खुद से करना चाहिए, मैं आपको टॉपिक क्लियर करूँगा इससे आपको जल्दी से समझ में आएगा, है ना। और एक ही बुक बताऊँगा इसके लिए, हेराल्ड की एक बुक आती है, ये है मेरे पास सबसे मस्त बुक है, इससे बेटर बुक नहीं है। हालांकि एक बुक और आती है लूसेंट की, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, बट मैंने इसको देखा है, इसमें क्या है इतना क्लियर कंसेप्ट नहीं है। इसको आप लेते हैं तो इसमें बहुत शानदार तरीके से बताया गया, देखिए इसमें सारे टॉपिक दिए थे कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, मैंने खुद पढ़ रखा है इसमें, है ना।
तो इसमें मतलब सारा कुछ आपका ग्रामर वगैरह, व्याकरण वगैरह, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तत्सम, तद्भव सब दिया हुआ है। जैसे इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये व्याकरण है, ये ध्वनि वगैरह है ना, वचन, लिंग वगैरह यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप जाएंगे देखिए इस तरीके से, ये वचन लिंग आपके टॉपिक में भी है, ये आएंगे। और इसके बाद क्या किया है इन्होंने, वहीं पर जैसे एक चैप्टर खत्म होता है उसकी एक्सरसाइज दी है, और ये नीचे देखिए क्वेश्चन आंसर के आंसर भी दिए हुए। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन पढ़, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद आप क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। हालांकि मैं भी टॉपिक करा दूंगा और आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हालांकि प्रैक्टिस भी मैं अदर बुक से भी आपको करा दूंगा। और इसमें सब कुछ है, तत्सम, तद्भव, बहुत सारी चीज़ें दी हुई, और पीछे प्रैक्टिस सेट भी दी हुई है, ठीक है। जो पीछे आपके होते हैं ना, ये प्रैक्टिस सेट सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सारा कुछ बहुत कुछ दिया हुआ है। मध्य प्रदेश भर्ती, पुलिस भर्ती, या आपकी SI भर्ती, या आपके जो टीचर के पेपर होते हैं, सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। तो एक ही बुक बताऊंगा हेराल्ड के लिए, और क्लासेस आपको मेरे द्वारा बताई जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं GK और GS के लिए। तो GK और GS के लिए दोस्तों बता दूँ, आप जो है देखिए सबसे पहले तो एक ये बुक आती है। अब देखिए, अब हालांकि आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीने उसके उसमें आपका पेपर हो जाएगा। एक ये बुक आती है लूसेंट की, अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो इसे आप परचेस कर लेना। ये थ्योरेटिकल बुक है, ये क्या थ्योरेटिकल बुक है, देखिए मैंने पूरी पढ़ रखी है, ये क्या पूरी थ्योरेटिकल बुक है, इसमें थ्योरी दी हुई है। और इसमें सारे जो चैप्टर हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ है, मिसलेनियस स्ट्रेटेजी के सब कुछ है। तो आप इसे ले सकते हैं, है ना, और इसे धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। 1 घंटा डेली लेंगे तो आपका हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसे नहीं ले सकते, मेरे हिसाब से आप लेना चाहें तो ले लिए, इसके मैं इसके बदले मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक लें जिसमें क्वेश्चन हो, 4 ऑप्शन हो, उसका आंसर हो आपको, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपको, विदिन मतलब क्विकली आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए एक लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, ऑब्जेक्टिव ही आती है, ये पूरी थ्योरी है वो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये ले सकते हैं, इस अरिहंत की भी एक बुक आती है, ठीक है, जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है वो, ये है ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जो है मेरे द्वारा जो क्लासेस हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, कि हिस्ट्री के 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, पॉलिटी के 400-500 क्वेश्चन, उसी में से कवर हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं पढ़ते हैं ना, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, तो उसी में से कवर हो जाएगा। फिर भी आप एक कोई भी पतली सी कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना, इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाए। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर भी आएगा, तो करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा नहीं भटकना, ये मेरे पे लेटेस्ट स्टडीज है ना 1 नवंबर 2022 का, ठीक है, दिसंबर के मैंने परचेस नहीं किया। तो अब स्पीडी बुक आती है करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप इसे परचेस कर लेना, जब आपका एग्जाम डेट आ जाए उस समय परचेस कर लेना, पूरा पढ़ जाना, इसी में से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपके जो है करंट अफेयर के देखने को मिल जाएंगे, पूरा इसी में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ये हो गया रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए देखिए, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बुक बता देता हूँ। तो बुक है आपकी अरिहंत की बुक आती है, ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मास्टर रीजनिंग करके, अगर आप इसे प्रेफर करेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छी खासी बुक है। सब कुछ आपका कंप्लीट है, वर्बल, नॉन वर्बल, सब कुछ दोनों आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत होगी, तो ये टीचर हैं, मात्र एक ही टीचर बताऊँगा, दीपक सर, ठीक है, दीपक सर हैं, वाईफाई स्टडी पर पढ़ाते हैं। आप क्या करना, रीजनिंग वाई दीपक सर डाल देना, और NTPC प्लेलिस्ट डाल देना। ये प्लेलिस्ट में लगभग शायद 100 के आसपास लगभग वीडियो हैं, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, जो भी जो आपके पूछेगा ना वो टॉपिक, या फिर आपको कोई जो टॉपिक पढ़ना है जैसे ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन बाय दीपक सर ये डाल देना। इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भविष्य में, ठीक है, ये एक ही टीचर है, ठीक है। तो रीजनिंग का यहाँ से हो गया, या बुक ले सकते हैं आप, आपको दोनों में से बता दिया। अगर बुक प्रेफर नहीं करना है तो इनको देख लेना, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करा रखी है, कंसेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आती है कंप्यूटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर की तो आपको मेरे द्वारा क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अगर आपको बुक परचेस करना है तो एक ही बुक बताऊंगा, ये आती है कंप्यूटर की लूसेंट की बुक आती है, छोटी सी बुक है, आप इसे कर सकते हैं। इसमें सब कुछ है, MS Office वगैरह, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाइनरी वगैरह सब कुछ दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से सब कुछ, शॉर्टकट वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो एक छोटी सी बुक है, 30-40 रुपये की आती है, ले लेना। और बाकी मेरे द्वारा आपको क्लासेस लगभग 1000 के अप्रॉक्स आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, तो उसमें आपका सफिशियंट हो जाएगा। चलिए अब आता है आपका मैथ्स का सेक्शन। तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सेक्शन है कि आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा खुद से, है ना, ये मतलब आप खुद से नहीं पढ़ सकते इनको, अगर आपके कंसेप्ट नहीं है, अगर आपने कहीं से पढ़ नहीं रखा तो आप इनको खुद से जो है पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको टीचर की जरूरत होती है। तो हालांकि मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ, देखिए इसके लिए एक बुक आती है RS अग्रवाल की मैथ की, बट वो थोड़ी हैवी बुक है, उसमें कंसेप्ट जो है वो थ्योरेटिकल दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, और उसमें वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। मैंने जो बुक ली है ये 2017 में परचेस की थी, राकेश यादव सर हैं, बहुत ही फेमस सर हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कोचिंग चलती है, बहुत ही फेमस सर हैं, आप ये बुक ले सकते हैं, SSC मैथमेटिक्स के नाम से आएगी। इसमें सारा जो आपके टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट है। और इसमें क्या है दोस्तों, ये देखिए आपको दिख रहा हुआ है, ये QR कोड है,
है ना, QR कोड। अगर इस पर्टिकुलर पेज को आपको वीडियो फॉर्म में देखना है, टीचर के माध्यम से समझना है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, क्वेश्चन नंबर आएगा उस पर क्लिक करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए। हालांकि इसमें जो सॉल्यूशन है वो दो तीन तरीके से बताया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जो आपका सॉल्यूशन है, जैसे ये है 150 नंबर का, तो ये है सॉल्यूशन। अल्टरनेट मेथड भी बताया गया, यानी दो दो तीन तीन तरीके से आपको सॉल्यूशन करके बताया गया। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बायलिंगुअल बुक है। और इसमें एक खासियत ये है, जब आप इस बुक को परचेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एप्लीकेशन आता है इनका, वो डाउनलोड कर लेना। ये QR कोड स्कैन करेंगे आप तो आपकी ये पूरी बुक है आपके मोबाइल में चली जाएगी, और मोबाइल में ये एक डिजिटल फॉर्म में बुक हो जाएगी। उसमें आपके चैप्टर खुलेंगे, चैप्टर के क्वेश्चन डला हुआ क्वेश्चन नंबर 1, उस पर क्लिक करेंगे, टीचर्स आपके सामने आएगा, पूरा आपको टॉपिक समझा के चला जाएगा। मतलब बुक प्लस टीचर एक ही बुक में आपको मिल जाता है, 200-250 रुपये की बुक आती है। तो ये सबसे बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा, और इसमें सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाने वाला है, एडवांस मैथ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। एक ही बुक बताऊंगा, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये इस बुक को प्रेफर कर लो। इसके अलावा अगर आप बुक लेना नहीं चाहते हैं तो टीचर मैं बताता हूँ आपके लिए बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैथ्स के लिए राहुल देसवाल सर हैं, इनकी NTPC की प्लेलिस्ट देख लेना, राहुल देसवाल सर डालना, मैथ्स बाय राहुल सर NTPC प्लेलिस्ट, 70-80 वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा। भविष्य में आपको मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके नोट्स बना लेने के बाद, ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। या साहिल सर करके हैं, है ना, ये भी मतलब ये नंबर 1 टीचर है जो भी यूट्यूब पे, ठीक है, नंबर 1 टीचर साहिल सर हैं। इनकी भी NTPC वाली प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें 100-150 वीडियो लें, पूरे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आदित्य रंजन सर हैं, जो कि अभी काफ़ी फेमस हैं SSC सेक्शन में, बहुत ज़्यादा मतलब जाने माने सर हैं, अभी बहुत वायरल हो रहे हैं और पढ़ाते भी काफ़ी अच्छा है। तो इनकी कोई भी एक प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अभिनय सर हैं, जो कि SSC मैथ्स के नाम से जाने जाते हैं, और A to Z क्वांट इनकी प्लेलिस्ट है, और ये लगभग 1.5-2 साल से चला रहे हैं इसे, तो आप उसको देख सकते हैं। एक दो बार ये कंप्लीट भी करा चुके हैं, तो कंप्लीट वाली आप देख लेंगे, पर इनका थोड़ा सा हाई लेवल लगता है, तो अगर आपको समझ में ना आए, वैसे ही आप इन दोनों को ही प्रेफर करेंगे या इन तीनों में से ही, तो आपको मैं प्रेफर करूँगा राहुल देसवाल सर को। मैंने इनसे पढ़ाया और कंसेप्ट काफ़ी क्लियर करवा देते हैं ये आपको, मतलब लैंग्वेज से खेलना सिखा देंगे, कैसी भी लैंग्वेज आ जाए आप उसे टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स के लिए बुक मैंने बता दी, तो ये रहा। प्लस यहीं पे आपका काम नहीं हो जाता कि आपने टीचर देख लिया, बुक देख ली, आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट भी देना पड़ेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों मैं बता दूँ, अभी देखिए किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर अच्छे खासे मॉक टेस्ट मुझे देखने को नहीं मिले। तो जैसे ही 2-4 दिन में या एक हफ्ते में इनके मॉक टेस्ट आएंगे, तो मैं आपको जो है इसके मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, कि किस टीचर किस जो सोर्स है किस प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, जिसमें और जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो दिया गया है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो वो कौन से लेना, तो अभी परचेस मत करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बता दूं, ये आपका पूरा सिलेबस हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा आपको फ्री PDF भी दूंगा मैं, GK वगैरह की है ना, कंप्यूटर वगैरह की, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं स्टडी को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और डेली मेरा सेशन होता है 12 से 2 के बीच लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे आप मेरे डाउट भी पूछ सकते हैं, और वहीं पे आपको मैं PDF वगैरह फ्री या कोई भी क्लासेस होगी उसकी PDF जो मिलेगी वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। और इसका ये पूरा जो आपका सार है, मैं यहाँ पर नोट है मेरे पास, इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आपको क्विकली ये रिवाइज कर सकते हैं सर, ठीक है। और दोस्तों बता दूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो डालूंगा नेक्स्ट तो आपको नोटिफिकेशन इससे मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो आपको कल मिल जाएगा, कि किस तरीके से आप 2 महीने में पढ़ते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, हालांकि जैसे मैंने किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। और प्रीवियस ईयर का पेपर मुझे मिल नहीं रहा है, मैं काफ़ी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता आपको, तो जैसे ही मुझे ऑथेंटिक पेपर मिल जाएगा मैं आपको तुरंत उससे जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तो लिए जय हिंद जय भारत।